नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। भगवान राम को नेपाली और रामनगरी अयोध्या को नकली अयोध्या बताने वाले नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली के इस बयान के बाद भारत में जबरदस्त गुस्सा देखा गया। यहां तक कि योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुद ट्वीट कर कहा कि नेपाल के पीएम का मानसिक दिवालियापन। भारत की नाराजगी के बाद नेपाल को अपने पीएम के बयान पर आखिरकार सफाई देनी पड़ गई। अयोध्या और भगवान राम पर पीएम केपी शर्मा ओली के दिए गए विवादित बयान पर नेपाल विदेश मंत्रालय ने सफाई जारी करते हुए कहा कि पीएम केपी ओली का बयान किसी राजनीतिक विषय से संबंधित नहीं था और इसकी मंशा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। पीएम के बयान का मकसद अयोध्या के महत्व और उसके सांस्कृतिक मूल्यों को कम आंकना नहीं था। नेपाल विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया, श्री राम और उनसे जुड़ी जगहों के संबंध में कई मिथ और संदर्भ हैं। पीएम ओली रामायण के सांस्कृतिक भूगोल की और स्टडी और रिसर्च के महत्व को रेखांकित कर रहे थे, जिससे कि और तथ्य सामने आ सके। जनकपुर अयोध्या बस सर्किट का जिक्र करते हुए नेपाल विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल और भारत के प्रधानमंत्रियों ने मई 2018 में रामायण सर्किट लॉन्च किया था। जनकपुर अयोध्या पैसेंजर बस सर्विस इसी का हिस्सा है। ये तथ्य दोनों देशों और उनके लोगों के बीच सांस्कृतिक आत्मीयता के बंधन को दिखाते हैं। बता दें, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने 13 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भगवान राम को नेपाली और अयोध्या को नकली अयोध्या बताते हुए आरोप लगाया था कि भारत ने नेपाल के सांस्कृतिक पहलुओं पर अतिक्रमण कर लिया। उन्होंने कहा था कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में नहीं थी, बल्कि वाल्मीकि आश्रम के करीब नेपाल में थी। ये वाल्मीकि नगर आज के पश्चिमी चंपारण में है, जो कि बिहार का हिस्सा है, और इसके कुछ हिस्से नेपाल में भी। नेपाल के पीएम ओली ने बेतुका तर्क देते हुए कहा था कि अगर अयोध्या उत्तर प्रदेश में थी तो फिर सीता जी से शादी के लिए राम जनकपुर कैसे आए? उस समय कोई फोन नहीं था, तो दोनों में संपर्क कैसे हुआ?